हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर अस्पताल से रवाना किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर सीधी तस्वीर है। एम्बुलेंस में रवाना किया जा रहा है पार्थिव शरीर ऋषि कपूर का। आपको बता दें कि यहां से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है चंदनवाड़ी शवदाह गृह की, वहां पर ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आपने देखी इस वक्त एबीपी न्यूज पर, ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर यहां से रवाना कर दिया गया है। जिस रिलायंस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली, जहां पर उनका निधन हुआ, वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और पार्थिव शरीर यहां से रवाना किया जा चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे हम आपको जरा लिए चलते हैं चंदनवाड़ी शवदाह गृह से। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मृत्युंजय, यहां से यह रवाना हो चुका है पार्थिव शरीर ऋषि कपूर का, वहां से कुछ और जानकारी आपके पास है क्या, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, तस्वीरें ही ये जानकारी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए, ये बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड हटा दिया गया है, यानी कि संकेत है कि गाड़ियों की आवाजाही अब होगी। और जैसा जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को कि अब पार्थिव शरीर अस्पताल से रवाना हो गया है, तो ऐसे पर जो एम्बुलेंस है कुछ ही मिनटों की समय में यहाँ पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि दूरी बहुत अधिक नहीं है और लॉकडाउन के चलते तो सड़कें खाली हैं और पहले से ही पुलिस लगातार इन सड़कों पर गश्त लगा रही है। तो अगर अस्पताल से पार्थिव शरीर निकल चुका है तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट के भीतर वो इस जगह पर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। पहले से ही कुछ परिवार के बेहद करीबी लोग स्मशान भूमि के अंदर हॉल में बैठे हुए हैं, दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी लगातार गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखे हुए हैं। आप देखिए, पुलिसकर्मियों की हलचल काफी तेज हो गई है। बैरिकेड हटा दिया गया है और जगह बना दिया गया है कि ताकि कोई वाहन आए तो रुके नहीं, वो सीधे अंदर जाए और अंदर पार्थिव शरीर को फिर स्मशान भूमि तक ले जाया जाए और वहां पर जो अंतिम विधि है वो किया जाए और ऋषि कपूर जी पंचतत्व में विलीन होंगे। ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर हो, पूरे उसमें सरलता से हो, किसी प्रकार की दिक्कत अड़चन ना आए और जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं इस दुख के समय में पुलिस भी उनका पूरा सहयोग करे, कोई दिक्कत लेकिन जरा दर्शकों को हम बता दें, जब ये हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में रवाना किया गया ऋषि कपूर का, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस को किस तरीके से सजाया गया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है और आप सोचिए, अगर आज ये कोरोना का संकट काल नहीं होता तो आज कितनी भीड़ यहां पर नजर आती मुंबई की सड़कों पर, जिस तरीके की फैन फॉलोइंग रही है ऋषि कपूर की। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अस्पताल से निकला पार्थिव शरीर और दूसरी जो तस्वीर है ये चंदनवाड़ी की है, जहां पर शवदाह गृह है, यहां पर बस इंतजार किया जा रहा है। और हमारी जानकारी के मुताबिक मुश्किल से 5-7 मिनट का वक्त लगेगा जब ये एम्बुलेंस यहां पर पहुंच जाएगी। हमारे साथ मृत्युंजय यहां से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, अखिलेश, आपको बता दें कि यहाँ भी सभी की निगाहें उस सड़क की ओर हैं जहाँ से एक एम्बुलेंस आएगा और रास्ता पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। यही जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से एम्बुलेंस पहुँचेगा। पुलिसकर्मी लगातार वॉकी टॉकी पर संदेश पर यह बात कर रहे हैं कि वाहन कहाँ पहुँचा है और कितने लोगों की गाड़ी है, ये तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं और रास्ता पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है। और आप थोड़ा जहाँ स्मशान भूमि है चंदनवाड़ी हिंदू स्मशान भूमि, वहाँ आप नज़र दौड़ाएं तो आपको सफ़ेद कपड़े में नजर आए हुए एक युवक नजर आएंगे। यही व्यक्ति हैं जो दोपहर से ही लगातार परिवार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जरूरी सामान के लाने ले जाने और परिवार के लोगों को जो भी जरूरतें हैं उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिवार के कोई करीबी सदस्य प्रतीत हो रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, आपको कोई भी परिवार के करीबी एक साथ नजर नहीं आएंगे और पुलिसकर्मी भी काफी दूरी बनाकर खड़े हुए हैं, सभी के चेहरे पर मास्क है और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये इस भावनाओं में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि पूरे देश भर में विशेष तौर पर मुंबई में कोरोना महामारी का संकट बना हुआ है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, कोई अड़चन ना हो, दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि जो बॉडी लैंग्वेज है पुलिसकर्मियों की वो बता रही है कि जो एम्बुलेंस है वो बेहद नज़दीक है और वॉकी टॉकी पर लगातार संदेश मिल रहा है, इसका मतलब है कि पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचेगा। उस दौरान परिवार के जो बेहद ही करीबी लोग होंगे वही उन्हें ही सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त होगी। जैसा हम पहले ही दर्शकों को बता चुके हैं कि अनिल अंबानी, अभिषेक बच्चन वो पहले से ही स्मशान भूमि पहुँचे हुए हैं, अरमान जैन जो कि ऋषि कपूर की बहन के बेटे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, निगाहें उस सड़क की ओर हैं,
जहां से पार्थिव शरीर ऋषि कपूर का आएगा। बड़ा ही गमगीन वक्त है, दुखद वक्त है पूरे देश के लिए, विशेष तौर पर बॉलीवुड के लिए, और कपूर परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है और ऐसे वक्त पर टूटा है जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि पूरे देश का ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना संक्रमण की ओर है। इसमें हमने अपने एक प्यारे लाडले अभिनेता को खो दिया, जिनकी उम्र भले ही 67 साल थी लेकिन हर कोई उसमें अपने आप को एक बचपना नजर आता था, और 14 साल की उम्र में जो उन्होंने कलाकारी शुरू की थी वो उसकी वो तमाम यादें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और जिस तरीके के वो जिंदा दिल इंसान थे। आपको कुछ हलचल करते हुए? हाँ हाँ बताइए, कुछ परिवार के लोग नजर आए जी, दिखाएं जी। परिवार के लोग नजर आ रहे हैं, अभिषेक बच्चन गेट पर आकर फिर अंदर गए हुए हैं। आपको एक हरे रंग का मास्क नजर लगाए हुए अरमान जैन नजर आ रहे हैं, जो कि हम बता रहे थे कि ऋषि कपूर की बहन के बेटे हैं, उनकी बहन भी नजर आ रही है। यानी कि गाड़ी आने वाली है, इसीलिए ये हलचल तेज हुई है कि बाहर आ गए। देखिए ये बाइक आ गई है मुंबई ट्रैफिक पुलिस की, जो कि एस्कॉर्ट कर रही थी इस वाहन को। ये ट्रैफिक पुलिस की वाहन यहाँ पर पहुंच गया है और ये पुलिस के वैन यहाँ पर पहुंच गई है, जिसके पीछे गाड़ियों का काफिला ये देख रहे हैं। ये आ गया एम्बुलेंस, यहाँ पर पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गया है। सफेद फूलों से सजाया गया है। बहुत गमगीन समय पूरे बॉलीवुड के लिए, परिवार के लिए। ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गया है चंदनवाड़ी स्मशान भूमि, और पीछे दो ही तीन गाड़ियां नजर आई। निश्चित तौर पर बेहद जो करीबी लोग हैं उन्हें इजाजत दी गई है। लगातार गाड़ियों, तीन से चार गाड़ियां अंदर पहुंची हुई है। हम एम्बुलेंस की तस्वीरें लगातार आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। सफेद रंग के फूल से सजा हुआ एम्बुलेंस है। निश्चित तौर पर कोई और दिन होता तो हमारे सबके प्यारे चिंटू को हर कोई अपनी नम आंखों से विदा करता, लेकिन ये वक्त दूसरा है और ऐसे पर बहुत ही सावधानी बरतते हुए उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए परिवार के सदस्य गाड़ी से अब उतर भी रहे हैं, और जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी तरह से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहना हुआ है, पीपीई किट पहना हुआ है। एम्बुलेंस को रिवर्स करके अंदर की तरफ ले जाया जा रहा है, यानी हम भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नीतू कपूर की तस्वीर आप देखिए, काले ड्रेस में नीतू कपूर जो कि गेट के पास हैं, और वो किसी से उन्होंने बात की और उनको अंदर ले जाया जा रहा है। नीतू कपूर नजर आई और एम्बुलेंस को रिवर्स करके सीधे अंदर ले जाया गया है। अब वापस एम्बुलेंस को सेट किया जा रहा है, यानी कि अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस को सीधे चंदनवाड़ी स्मशान भूमि के अंदर ले जाया गया है। और परिवार के लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए, रणधीर कपूर नजर आ रहे हैं जो कि एक सहारा लेकर अंदर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। रणधीर कपूर को आप देख सकते हैं मास्क लगाए हुए, फिलहाल वो अंदर चले गए हैं, और एम्बुलेंस भी जो है वो अंदर चला गया है। तो इस प्रकार जो बेहद ही करीबी लोग हैं वो पार्थिव शरीर के साथ नजर आए, और एम्बुलेंस भी अंदर चला गया है, और वहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। ऋषि कपूर, हम सबके लाडले प्रिय ऋषि कपूर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बहुत ही गमगीन माहौल है। आम दिन होता तो निश्चित तौर पर हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ कुछ कदम चलना चाहता। ऋषि कपूर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको हर कोई पसंद करता था, और उनमें हर कोई अपने बालपन की छवि देखता था, लेकिन आज वो वक्त है कि बहुत ही बेहद करीबी लोग जो है वही जा पा रहे। आप एक जरा नजर दौड़ाएं, एक जो कर्मचारी हैं मुंबई महानगर पालिका के, वो सैनिटाइजर साथ में लेकर सैनिटाइजिंग का काम भी कर रहे हैं पूरे परिसर को। तो इसकी पूरी सावधानी रखी गई है कि हम इस भावनाओं में यह भी ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमण का एक जो महामारी है इसका भी हमें पूरे निपटना है और पूरी सावधानी बरतनी है। और जो लोग भी यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर ध्यान रखें, पालन करें। और परिवार के जो करीबी लोग हैं वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग सभी भीतर चले गए हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो गेट के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि जैसा हम पहले से बता रहे हैं कि महज 15 से 17 लोगों की इजाजत दी गई है, और उसकी सूची पहले ही दे दी गई थी पुलिस द्वारा कि यहाँ पर, और उन्हीं गाड़ियों की, जिन गाड़ियों का नंबर प्लेट इनकी लिस्ट में सूची में मेंशन था, उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। बाकी कई शुभचिंतक सड़कों से आकर और लौट जा रहे हैं क्योंकि सभी को इजाजत नहीं दी गई है। परिवार के बेहद करीबी लोग स्मशान भूमि के अंदर चले गए हैं। देखिए एक पुलिसकर्मी के साथ एक परिवार के करीबी पहुंचे हुए हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं कोई साथ ही साथ आप गेट पर देखिए एक व्यक्ति लगातार सैनिटाइजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि पहले से हिदायत दी गई थी कि जो भी भीड़ जमा हो, चाहे 15 लोगों की हो चाहे 17 लोगों की, इस दौरान हमें पूरी सावधानी बरतनी है। और मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने यह पहले से सुनिश्चित किया था कि जो भी लोग जमा होंगे वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर यहाँ पर मौजूद रहें और दूरी बनाकर रहें। जब
उनका अंतिम विधि हो रहा होगा ऋषि कपूर जी का, उस समय दूरी बनाकर रखें, जो मुखाग्नि देगा या फिर पूजा पाठ की विधि में सम्मिलित होगा वही व्यक्ति पार्थिव शरीर के करीब जाए, बाकी लोग दूरी बनाकर खड़े रहें। आपको बता दें कि जो अग्निदाह है वो लकड़ी पर नहीं होगा, ये जो अंतिम विधि है वो क्रेमेटेरियम, इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम के जरिए होगा, क्योंकि जो BMC के कर्मचारी हैं वो उपलब्ध नहीं भी है, और ये जो हिंदू स्मशान भूमि है यहाँ पर दोनों की सुविधाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और वहाँ पर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। पुजारी जो है वो दोपहर को 2 बजे ही आ गए थे, उन्होंने तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी, परिवारजनों को सूचित कर दिया गया था, सिर्फ इंतजार था कि क्या बेटी रिद्धिमा किसी तरह से पहुंच पाएंगी। बेटी रिद्धिमा को वाहन अपने रोड के जरिए मुंबई आने की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन उनका प्रयास था कि वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई पहुंच सके, लेकिन तय समय के भीतर यह संभव नहीं हो सका। मुंबई पुलिस ने 3 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट करने को कहा था परिवार को कि 3 बजे तक वो बताएं कि मृत्युंजय मृत्युंजय ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा उनसे भी बात करना चाहूंगा। जितेंद्र, यहां पर जो लोग पहुंचे हैं उनके बारे में कुछ और आपको जानकारी मिल पाई है? कहा जा रहा था 15 लोग पहुंचेंगे, कौन कौन लोग हैं अभी शवदाह में? देखिए, इस बारे में आपको जो है, मैं क्योंकि अभी अस्पताल में था और वहां से मैं पहुंच रहा हूं इस वक्त शवदाह की तरफ, तो वहां पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हैं जो आपको जानकारी देंगे कि वहां पर कौन कौन लोग पहुंचे हैं और कौन कौन लोग साथ में आए हैं पार्थिव शरीर के और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही हरकिशन दास अस्पताल, जो रिलायंस फाउंडेशन का अस्पताल है, वहां से उनका पार्थिव शरीर निकला है और पहुंच गया है मरीन लाइन में जो विद्युत शवदाह है वहां पर, और कुछ देर में ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये देखिए सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जितेंद्र, जब आप अस्पताल में मौजूद थे वहां पर आपने क्या देखा था? ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, आपने क्या देखा था अस्पताल में, जरा वो बताएं दर्शकों को। देखिए, अस्पताल में जो है कई लोग, कई उनके परिजन जो है और फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई हस्तियां वहां पर पहुंच रही थी, जिनमें की अभिषेक बच्चन वहां पर आए थे और इसके अलावा करीना कपूर, सैफ अली खान वहां पर मौजूद थे, आलिया भट्ट वहां पर आई थी, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो चूंकि मास्क पहने थे और एक्सेस नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए हम उनके नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन करीब 10 से 15 लोग जो है अस्पताल में भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जी, मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं चंदरवाड़ी का जो ये शवदाह गृह है उसके बाहर। मृत्युंजय, लेकिन ये देखिए एक लिहाज से बहुत दुखद है ऋषि कपूर के फैंस के लिए, निराशाजनक भी है कि अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए अपने हीरो के। बिल्कुल सही कहा अखिलेश, और ये दुखद पल हमारे लिए भी है, हम भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लोगों में से हैं कि हमें ऋषि कपूर जी का अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। देखिए तस्वीरें, आपको बता दें कि अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेहद जो परिवार के करीबी सदस्य हैं वही अंदर गए हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन और अनिल अंबानी बहुत पहले ही पहुंच गए थे, और उसके बाद जो गाड़ियों का काफिला एम्बुलेंस के साथ में आया था उसमें नीतू सिंह थी, साथ ही साथ पीछे सैफ अली खान और करीना कपूर नजर आए, और एक गाड़ी में रणधीर कपूर नजर आए। बाकी कुछ लोगों को दूरी होने की वजह से और मास्क लगे होने की वजह से हम पहचान नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर हमें परिवार के बेहद करीबी सदस्य नजर आए, जो बहुत ही भावुक, परिवार पर एक पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट गया है, और ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है कि परिवार के बहुत से सदस्य पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। जरा उस बेटी की कल्पना कीजिए जो अपने पिता के बेहद करीब थी और अपने पिता से प्रतिदिन वीडियो पर बात किया करती थी, कल रात कल शाम भी उनकी बात हुई होगी, आज वो अपनी बेटी अपने पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रही है। निश्चित तौर पर पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद पल है, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंदर शुरू हो गई है ये हमें जानकारी मिल रही है, और जो पुजारी हैं पंडित जी हैं वो अंतिम विधि की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर मुखाग्नि की प्रक्रिया रणवीर कपूर ही कर रहे हैं, और उसके बाद ऋषि कपूर जी को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। बहुत सावधानी बरती गई है और पहले से ही सूचना दे दी गई थी परिवार के जरिए सभी को कि कृपया जो सरकार के निर्देश हैं उसका हमें पालन करना है, ये दुख की घड़ी है, सभी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये संकट काल है, और ये भी ना भूलें कि ऋषि कपूर जी भी तो यही चाहते थे। 2 अप्रैल का जो ट्वीट था उनका यही था ना कि हमें कोरोना की लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी है, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर, उन पर हमला न करें, उनका सम्मान करें और उनको सहयोग करें, और हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, तो क्यों हम इस लड़ाई को भूल जाएं, और आखिरी समय में तो हमें इसका पालन करना है। आज उनकी आखिरी विदाई है, हमारे बीच उनका
शरीर नहीं रहेगा, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं, उनकी अदाकारी है, उनकी कलाकारी है, उसे हम थोड़ी ना भूल पाएंगे, वो तो हम हमेशा के लिए अमर रहेंगे। तो और देखिए मृत्युंजय, आपने थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमें ख्याल रखना है। परिवार के लोग भी यही चाहते हैं। जो अंतिम संदेश वहां से जारी किया गया था उसमें क्या था वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। किस तरीके से कहा गया था कि कोरोना के इस संकट काल में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ल्यूकेमिया से 2 साल के संघर्ष के बाद हमारे प्रिय ऋषि कपूर का सुबह 8:45 पर अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि ऋषि ने जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उनका मनोरंजन किया। 2 महादेशों में 2 साल तक इलाज के दौरान वो खुश और जिंदगी को पूरी तरीके से जीने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। परिवार, दोस्त, खाना और फिल्मों को लेकर उनका आकर्षण और इस दौरान जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की वो ये देखकर हैरान थे कि कैसे बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो दुनिया भर में फैले अपने प्रशंसकों के प्यार के लिए आभारी थे। उनके निधन के बाद अब सभी प्रशंसक इस बात को जरूर समझेंगे कि वो मुस्कान के साथ याद किए जाएं, ना कि आंसुओं के साथ। इस व्यक्तिगत नुकसान की घड़ी में हमें ये लगता है कि दुनिया बेहद कठिन हालात से गुजर रही है। लोगों के आने जाने और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं। हम उनके सभी प्रशंसकों, हितैषियों और परिवार के दोस्तों से अनुरोध करते हैं कि वो कानून का पालन करें। ऋषि कपूर इससे अलग नहीं चाहते होंगे। तो ये संदेश जारी किया गया था, परिवार की तरफ से यह कहा गया था। और ऐसे में जो हम दृश्य देख रहे हैं वहां पर शवदाहगृह के बाहर, वहां भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। और अगर जनरल पब्लिक की, आम लोगों की बात की जाए मृत्युंजय, तो वहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, परिवार के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग जो बहुत करीबी थे, वही दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने। और अभी अभी करीना कपूर पहुंची है मृत्युंजय, या शुभचिंतक आना नहीं चाहते या आ नहीं रहे हैं। एक वाहनों की आवाजाही थोड़ी हलचल दिख रही है, लेकिन करीना कपूर सैफ अली खान के साथ ही पहुंच गई थी। अच्छा। जो आपने एम्बुलेंस की तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को, उसके ठीक पीछे जो 2 गाड़ियों का काफिला गया था, उसी एक गाड़ी में सैफ अली खान और करीना कपूर साथ में थे और एक गाड़ी में नीतू कपूर पहुंची थी अभी। और एक और जो तीसरी गाड़ी थी उसमें रणधीर कपूर नजर आए थे। बाकी कुछ चेहरों की पहचान हम मास्क लगे होने की वजह से और दूरी होने की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर यही परिवार के सदस्य जो पहले से ही अस्पताल में ऋषि कपूर जी के साथ थे वो वही सदस्य हैं और सभी अंदर गए हुए हैं। ये आप मुंबई पुलिस को देखिए, लगातार लोगों को निर्देश दे रही है कि जो भी लोग यहां पर हैं, यहां तक कि मीडियाकर्मी भी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आपको बता दें कि कुछ लोग जिन्हें सूचना मिली अलग अलग लगातार खबरें देख रहे हैं, ठीक में स्थानीय लोग हैं, जब उनको सूचना मिली तो कुछ लोग चंदनवाड़ी पहुंच रहे थे, लेकिन इसकी शक्ति है कि किसी को सड़क पर रुकने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें तुरंत यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि आपने जो सवाल पूछा था कि निश्चित तौर पर फैंस आना चाहते थे, बहुत सारे फैंस जो है वो सड़क पर खड़ा होना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती है और पुलिस नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से यहां पर भीड़ जमा हो और नियमों का उल्लंघन हो और सावधानी में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाए। और इस बीच हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ परिवार के लोग अन्य लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अंदर अंतिम विधि की प्रक्रिया चल रही है, सावधानी। पहले हम दर्शकों को बता दें, ऋषि कपूर के व्यक्तित्व की बात की जाए, जिंदा दिल इंसान थे। उनके परिवार ने भी अपने संदेश में यही कहा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले संदेश पढ़कर सुना रहा था। अब आपको दिखाते हैं ऋषि कपूर की एक जिंदा। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं मुंबई का शवदाह, जहां पर ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और साथ ही मौजूद हैं उनके परिवार के बेहद चुनिंदा लोग। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे उसमें पत्नी नीतू सिंह नजर आईं, साथ में बेटे रणबीर कपूर नजर आ रहे थे, इसके अलावा उनके भाई की बेटी करीना कपूर और दोनों भाई भी मौजूद थे। रणधीर कपूर मौजूद थे, राजीव कपूर मौजूद थे, बहन रीमा जैन नजर आ रही थी, रीमा जैन के बेटे अरमान जैन वहां पर मौजूद थे। ये वो तस्वीरें जिस वक्त ये गाड़ियों के काफिला निकलना शुरू हुआ अस्पताल जहां से पार्थिव शव लेकर आया गया। और ये देखिए कि पार्थिव शरीर जब पहुंचा शवदाग्रह, उस समय की ये तस्वीर। हालांकि यहां इंतजार कर रहे थे हम कि शायद अंतिम दर्शन हो पाएंगे, लेकिन सीधे इस एम्बुलेंस को अंदर ले जाया गया शवदाग्रह में। हम रुक कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और मृत्युंजय लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हो गई है?
जी बिल्कुल, अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो गई है। बेहद परिवार के करीबी सदस्यों की आंखों के सामने ये अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई है। ये तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं चंदनवाड़ी स्मशान भूमि की। चंदनवाड़ी स्मशान भूमि में इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में जो विद्युत अग्निदाह है वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। उसकी दो वजहें हैं, एक तो जो स्टाफ की कमी है जो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, और जो लकड़ी का अग्निदाह है वो बंद किया गया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम ही चालू है। यह भी एक वजह है कि ऋषि कपूर जी का जो अंतिम संस्कार है, अंतिम विधि है, वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम पर होगा। उसके पहले इस वक्त पूजा पाठ पद्धति की जा रही है और रणवीर कपूर मुखाग्नि देंगे और रणवीर कपूर इस पूरे प्रक्रिया में उनके शामिल हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं परिवार के, वो एक हॉल है अंदर, उस हॉल में काफी दूरी बनाकर कुछ लोग खड़े हैं। नीतू कपूर के आसपास काफी लोग हैं। लेकिन मृत्युंजय, कितना दुखद कि इकलौती बेटी रिद्धिमा और वही अपने पिता का चेहरा तक नहीं देख पाएंगे, कितना दुख। निश्चित तौर पर एक बेटी के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि कल रात जिसने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की हो और जल्द ही ठीक हो जाने की कामना की हो और यह विश्वास जताया हो कि हम दूसरे दिन यानी आज फिर से एक बार वीडियो कॉल पर बात करेंगे, हालचाल लेंगे, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस कि आज ऐसा दिन आया कि बेटी अपने पिता का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख पा रही है, एक अंतिम दर्शन नहीं कर पा रही है, एक आखिरी बार पैर नहीं छू पा रही है जिनके आशीर्वाद से वो यहां तक पहुंची हुई है। दिल्ली में फंसी हुई थी लॉकडाउन के बीच, मुंबई आने का अवसर नहीं मिल पाया। पिछले 6 दिनों से ज्यादा तबियत खराब हुई थी ऋषि कपूर जी की और कल रात को ज्यादा तबियत खराब होने के बाद उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। वेंटिलेटर पर होने के बाद से उनकी तबियत ज्यादा खराब हो रही थी। उस समय से परिवार के बेहद ही करीबी 3 से 4 सदस्य लगातार अस्पताल में ही बने हुए थे और आज सुबह उन्हें स्वर्गीय घोषित किया गया। और बेटी की यही इच्छा थी कि वो आखिरी समय में कम से कम अपने पिता को एक बार देख ले। तमाम कोशिशें की गई, उन्होंने दिल्ली सरकार से इजाज़त मांगी, दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी, दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दी, लेकिन बाय रोड से अगर आएंगी तो बहुत समय लग जाएगा, दूरी बहुत अधिक है और ये दूरी पिता का चेहरा देखने के लिए कम नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट की कोशिश की गई, चार्टर्ड फ्लाइट अगर व्यवस्था हो जाए, लेकिन DGCA से तमाम परमिशंस की बात फंसी हुई थी। चार्टर्ड फ्लाइट अभी भी वो विकल्प तलाश रही हैं कि कम से कम वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच, अपनी मम्मी के बीच, अपने भाई के साथ पहुंच सकें, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। यानी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेटी अपने पिता का आखिरी दर्शन नहीं कर पाई और आशीर्वाद नहीं ले पाई, पर बेटा पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, रणवीर कपूर मुखाग्नि दे रहे हैं और अंतिम विधि में जो पूजा पाठ की प्रक्रिया में शामिल है और वो मुखाग्नि देंगे। परिवार के बेहद ही करीबी सदस्य मौजूद हैं। कपूर परिवार कितना बड़ा है, बस यही जानना चाह रही थी आपसे, मृत्युंजय मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इसमें हमें ऋषि कपूर के दोनों भाई रणधीर कपूर दिख रहे हैं, राजीव कपूर दिख रहे हैं, उनकी बहन रीमा जैन भी दिख रही है, रीमा जैन के बेटे अरमान जैन भी मैं देख पा रही हूँ, इसके अलावा करीना कपूर और सैफ अली खान। करीना कपूर देखिए, हाथ पीछे बांधकर करीना कपूर वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है, कुछ बात कर रही है इशारे से, और उनके साथ ही सफेद कुर्ते पजामे में उनके पति सैफ अली खान मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन वहां पर पहुंचा है इस समय मृत्युंजय? जी, जिन लोगों का आपने नाम लिया लगभग वही लोग हैं, सिर्फ शुरुआत में पार्थिव शरीर आने से पहले उद्योगपति अनिल अंबानी और अभिषेक बच्चन यहां पर पहुंचे हुए थे। एक व्यक्ति बुजुर्ग जो बहुत पहले पहुंचे हुए थे, उनकी पहचान हम नहीं कर सके मास्क लगे होने की वजह से। लेकिन उसके बाद जो पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में आया, जो सफेद रंग के फूलों से सजाया हुआ एम्बुलेंस था, जिसमें HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कुछ कर्मचारी थे जो कि PPE किट में थे, वो यहां पर पहुंचे, तो उसके बाद जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं, उनका बेटा रणवीर कपूर, उनकी पत्नी नीतू कपूर और करीना कपूर, सैफ अली खान, उनके दोनों भाई रणधीर कपूर, ये तमाम लोग जो बेहद करीबी लोग हैं वही लोग हैं। और परिवार ने लगातार ये अपील किया शुभ चिंतकों से, परिवार के अन्य सदस्यों से, फैंस से, कि हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना है, ये नहीं भूलना है कि ये एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें हम
परिवार के बेहद करीबी लोग ही रहना उचित होगा और इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। और ये कहीं ना कहीं हमें देखने को भी नजर आया, पुलिस कर्मियों ने बहुत सहयोग किया परिवार का और परिवार ने भी उस नियमों का पालन किया। पुलिस कर्मियों ने बहुत पहले ही तमाम तैयारी कर ली थी कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो चीजें परिवार को चाहिए वो उपलब्ध हो। देखिए लॉकडाउन है, छोटी छोटी चीज मिलना मुश्किल हो रहा है, फूल तक नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें जानकारी मिली कि उसमें पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने अस्पताल ने काफी मदद की और फूल उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को सजाया गया और यहाँ भी श्मशान भूमि पर भी फूल की जरूरत थी, माला की जरूरत थी, उसकी भी इंतजाम BMC और पुलिस की तरफ से जो उनके परिवार के करीबी हैं उनके जरिए मदद की गई। तो कहीं ना कहीं पूरी यही तैयारी थी कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कम से कम जो अंतिम सफर है अंतिम सफर में कम लोग शामिल हों और टीवी के माध्यम से लगातार दर्शक इन तस्वीरों को देख रहे हैं, सभी के मन में यही भावना होगी कि ऋषि कपूर जी जहां भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो उनकी कला है उनकी जो अदाकारी है वो तो हमेशा अमर रहेगी, वो हमारे बीच रहेगी, चाहे वो 14 साल की उम्र में मेरा नाम जोकर में का किया हुआ उनका काम हो या फिर हाल ही की रिलीज हुई फिल्में में उन्होंने जो काम किया 102 नॉट आउट या मुल्क या तमाम फिल्में जो उन्होंने की, जिसके लिए उन्हें न केवल भारत बल्कि देश और दुनिया भर में सम्मानित किया गया, उन्हें रूस में भी 2009 में सम्मानित किया गया था, रूस की सरकार ने उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें सम्मानित किया, 1970 में उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सम्मानित किया गया, कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि जब वो पहली फिल्म लीड रोल में उन्होंने काम किया था बॉबी फिल्म में उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो इतने कम उम्र से लेकर अब तक जो उन्होंने अचीव किया है उस योगदान को तो कोई नहीं भूल सकता, उस योगदान को बॉलीवुड भूलेगा ना भारत देश भूलेगा ना उनके चाहने। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर किस्मत पर बॉलीवुड की सवाल उठता है कि साहब देखिए आज विदाई के मौके पर ऋषि कपूर को लॉकडाउन की वजह से उस तरीके से नमन करने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग पहुंच भी नहीं पा रहे, ये उनकी बेबसी आप कह सकते हैं। अच्छा वो शख्स जिनके बारे में आप कह रहे थे कि समझ नहीं पाए आप कौन हैं शुरुआत में, जो एक बुजुर्ग आए, हमको ऐसा लगता है मृत्युंजय वो राहुल रवेल रहे होंगे, राहुल रवेल जिनका करीब 60 साल का दोस्ताना ऋषि कपूर के साथ, और जब ऋषि कपूर अमेरिका में थे कैंसर का इलाज करा रहे थे उस समय उनके कैंसर से पूरी तरीके से मुक्त होने की जानकारी भी सबसे पहले शायद सोशल मीडिया पर राहुल रवेल ने ही दी थी, बहुत गहरी दोस्ती राहुल रवेल और ऋषि कपूर की। मृत्युंजय जी सही कहा आपने, ऋषि कपूर की जो दोस्ती थी माना जाता है कि उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वो बहुत करीब थे और अपने दोस्तों से बहुत कुछ साझा करते थे और उनकी दोस्ती वर्षों तक की रहती थी, पर दुखद यह है कि उनके बहुत सारे दोस्त जो है वो अपने आप को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो अंतिम सफर में साथ नहीं दे पाए। आपने एक नाम का जिक्र किया, मैं एक दूसरा नाम का भी जिक्र करना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जो कि पूरी तरह से उनका संदेश बताता है कि वो किस तरह से टूट चुके हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके सहकर्मी उनके बहुत अजीज दोस्त उनके बहुत करीबी दोस्त जिनके साथ न जाने कितने फिल्में की कितनी सुपरहिट फिल्में की इस उम्र में उम्र के इस पड़ाव में भी लोग कई लोग अपने करियर की तलाश में होते हैं, कई लोग अपने करियर में सेकेंड इनिंग की तलाश करते हैं, इस उम्र में भी दोनों की जोड़ी ऐसी है कि जब पर्दे पर आ जाए तो धूम मचा देती है। तो अमिताभ बच्चन बहुत दुखी हैं और बहुत कोशिश थी उनकी, उम्मीद थी कि वो भी आकर अंतिम दर्शन कर सके, लेकिन समय ऐसा है कि वो अंतिम दर्शन नहीं कर सकते। उनके बेटे अभिषेक बच्चन अस्पताल में गए हुए थे, परिवार के साथ में थे, और उसके बाद सबसे पहले जब अनिल अंबानी और अभिषेक बच्चन ही यहाँ चंदनवाड़ी हिंदू श्मशान भूमि में पहुंचे हुए हैं। यह जो आपने बात कही कि ऋषि कपूर की दोस्ती की, तो निश्चित तौर पर ऋषि कपूर की दोस्ती की तमाम किस्से हैं और उनके दोस्तों के चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी दोस्ती है। अच्छा, उनकी दोस्ती की सबसे खूबी तो ये है कि वो उम्र नहीं देखती, उनके दोस्त तो 20 साल के भी युवा हैं और 80 साल के भी कलाकार हैं। तो उन्हें याद होगा आपको, उन्होंने एक बार भारतीय क्रिकेटरों के ऊपर विशेष तौर पर विराट कोहली के दाढ़ी के ऊपर एक कटाक्ष किया था, बड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने टिप्पणी की थी जिसको बड़ा ही हंसते हुए सभी ने लिया था। तो ये बड़े ही दिलखुश मिजाज इंसान थे और एक बेहद जिंदा दिल कहा जाता है कि ऋषि कपूर भरपूर शख्सियत। मृत्युंजय मैं लौटूंगी आपके पास, और देखिए परिवार की तरफ से जो बाद में प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यही कहा गया कि साहब मतलब आखिरी वक्त तक अस्पताल में भी वो सबके साथ बड़ी खुश मिजाजी से बातचीत कर रहे थे, और ऋषि कपूर की जिंदा दिली का अस्पताल का एक वीडियो भी है, जरा वो वीडियो आप देखिए। तेरे दर्द से दिल आ
दवा दे रहा तेरे दर्द से दिल बाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा तेरे दर्द से दिल बाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे से है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद, जब तक मेहनत तो थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे, बस उसकी ये एक गांठ बांधे रखना। ये वीडियो अस्पताल का वीडियो है ऋषि कपूर का, और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जिस समय एम्बुलेंस अस्पताल से निकली पार्थिव शरीर लेकर शवदाह की ओर ये काफिला बढ़ा, और इस समय अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है। अपने आखिरी सफर पर हैं ऋषि कपूर, बेटे रणबीर कपूर मौजूद हैं, और वही बताया जा रहा है मुखाग्नि देंगे पिता को। हम सीधे रुक करते हैं इस वक्त, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिबांग भी मौजूद हैं, मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमें हर अपडेट दे रहे हैं। हम मृत्युंजय का पहले रुख कर लेते हैं और मृत्युंजय से पूछते हैं जरा कि अब वहां पर किस तरीके की तस्वीर, क्या अपडेट इस समय, कोई और जो वहां पहुंचा हुआ अभी मृत्युंजय? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शशि कपूर के बेटे नजर आ रहे हैं, मास्क पहना हुआ है उन्होंने, शशि कपूर के बेटे नजर आ रहे हो, लेकिन पुलिसकर्मी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका नाम इस सूची में है। आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल मोबाइल में नाम चेक कर रहा है, लेकिन इस बीच जो तीन लोग आए थे उसमें से ये तीनों ही आगे बढ़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पुलिसकर्मियों ने नाम चेक करने की कोशिश की। अब देखिए पुलिसकर्मी वहां पर रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, नाम एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर रोका हुआ है, उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। देखिए पुलिसकर्मी कितने सतर्क हैं और किसी प्रकार की कोई ढील किसी को नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई VVIP आ रहा है तो उसके लिए अलग नियम कानून होगा, पुलिसकर्मी पूरी तरह से नियम का पालन करा रहे हैं। एक जो सूची दी गई थी उस सूची के मुताबिक ही लोगों को भीतर जाने की इजाजत दी गई है। आने के इच्छुक तो बहुत लोग थे, ये जानकारी मिल पाई है कितने लोगों की सूची है, लेकिन ये जानकारी मिल पाई है कितने लोगों के नाम है इस लिस्ट में? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल पाई थी 15 लोगों के ही नाम की इजाजत दी गई थी, लेकिन अगर एक दो अतिरिक्त लोग आ जाते हैं तो मानवता के आधार पर या इस भावना को देखते हुए एक दो लोगों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस अधिकारी ने हमें बताया कि महज 15 लोगों की इजाजत दी गई है, और अब तक जो आप सूची भी देख लें तो आपको 12-13 लोगों से अधिक के नाम अब तक हमारे पास नहीं आए हैं, और हम भी देख रहे हैं कि जो 4 से 5 गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में 1 या 2 लोग ही मौजूद थे, इस हिसाब से भी आंकड़ा 15 के ऊपर नहीं जाता है। पर यह भी बात कही गई है कि भावनात्मक रूप से 1-2 लोग यदि परिवार के अतिरिक्त आ जाते हैं तो उन्हें मानवता के नाते ना रोका जाए इसका, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को अंदर ना आने दिया जाए। ये ठीक भी है और हम सभी भावनाओं को समझ सकते हैं कि एक परिवार का जब एक मुखिया या परिवार का एक सदस्य चला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है, और पर जो तमाम शुभचिंतक हैं, फैंस हैं, इससे वो दूर हैं और दूर रखा गया है पुलिसकर्मियों द्वारा, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था इस कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए। आपको बताएं अंदर से जो जानकारी आ रही है कि पूजा पद्धति पूरी हो चुकी है, परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, नीतू कपूर को विशेष तौर पर जो भी लोग आए हुए हैं वो सांत्वना दे रहे हैं, उनके पास काफ़ी लोग खड़े हैं, और कुछ ही देर में जो इलेक्ट्रिक ट्रेमिटेरियम है, जो विद्युत है, उसके माध्यम से मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ऋषि कपूर। तो हम दर्शकों को बता रहे थे कि बहुत ज्यादा नियमों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है और 15-16 से अधिक लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, वो भी जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है।